आप देख रहे हैं एसटीवी लद्दाख, आवाज घर घर की। लद्दाख में ग्रेटर कारगिल विकास प्राधिकरण से संबंधित आरोपों और एलएएचडीसी कारगिल द्वारा निहित यूटी लद्दाख प्रशासन के सरकारी गजट के माध्यम से इसकी शक्ति को सीईसी एलएएचडीसी कारगिल फिरोज अहमद खान ने खारिज कर दिया है। फिरोज अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा कि उन्होंने अधिसूचना के तुरंत बाद एक पत्र लिखकर शक्तियों के बारे में पूछताछ की है। पहली बात तो ये है कि ये जो आपका स्टेक होल्डर्स को उन्होंने कहा कि आपने उनको कॉन्फिडेंस नहीं लिया, ये पर्टेन करता है आपका म्युनिसिपैलिटी को, ठीक है। आपका जो भी इसमें मीटिंग्स हो रहे थे, जो हो रहे थे, वो म्युनिसिपैलिटी लेवल पे हुआ था। वो लास्ट स्टेज पे हमारे पास एक प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया और उसमें क्लियर, हमारे मिंजी के ऑनरेबल काउंसलर यहाँ पे थे शेख साहब, उन्होंने क्लियर कट कहा था कि जब तक हम लोगों से नहीं पूछेंगे तब तक हम अपना कंसेंट इसमें नहीं देंगे। और सब फाइनल ये डिसीजन हुआ था जो कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग हुआ था उसमें, कि जितने भी एरियाज ये लोग शो कर रहे हैं, हालांकि मैंने उसमें ये भी कहा था कि उन्होंने उसमें छुस्कोर भी दिखाया था शायद, मैंने कहा छुस्कोर तो एक पास क्रॉस करने के बाद वहां आता है, आपने इस एरिया को कैसे लिया, कहां से लाया, तो ये भी हमने शो किया। और उसने ऊपर छुस्कोर दिखाया था, नीचे स्टिक्चे दिखाया था, हमने कहा स्टिक्चे में हो सकता है ये नियर टू टाउन हो, लेकिन पूरा छुस्कोर इसमें नहीं आ सकता, तो ये भी हमने रिएक्ट किया था। और वहां पे ये डिसाइड हुआ था कि जितने भी हमारे एरियाज के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तब जब तक उनका कंसेंट नहीं होगा तब तक जो है हम इसको इसमें इंक्लूड होने नहीं देंगे। मैं आपको ये कहता हूं कि आप लोगों को कोई घबराने की बात नहीं है, जो इसमें जब तक टीसीएफ का कॉमन कंसेंसस नहीं होगा ये यहां पे लागू नहीं होगा। और ये मेजर हाई लेवल पे कल डिसीजन हुआ है, कल ही, तो इसीलिए मैं सोचता हूं मैं खुद ले से आया हूं, इसका रिएक्ट करना जरूरी था। तो इट विल नॉट बी इम्प्लीमेंट जब तक कंसेंसस नहीं होगा, और सबको लेके हम एक कंसेंसस बनाएंगे। और पर्टिकुलरली जो अलॉटमेंट ऑफ लैंड एंड यूजेज ऑफ लैंड है उसमें जब तक हमारे सेक्शन, और तो अगर हम ये तो अगर हम इसको कोर्ट में भी जाएंगे तो क्लियर कट कहता है हमारा सेक्शन 23, वो पावर हमारे पास है जब तक वो एक्ट जिंदा है। तो ये मैं आपके माध्यम से पब्लिक तक क्लियर करना चाहता था, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हम ऐसी चीज कभी नहीं होने देंगे जो कि आवाम के हित में ना हो। बीजेपी कारगिल ने एलएएचडीसी कारगिल के प्रमुख से ग्रेटर कारगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी पर कारगिल टाउन में भूमि अधिग्रहण और स्थगन पर पूर्ण अधिकार देने पर सवाल उठाए हैं, इस कदम की कड़ी निंदा करते हैं। यहाँ पे कंसेंट दिया काइंड ऑफ हमारे काउंसिल ने, जिसमें ये इन्होंने कंसेंट दिया कि आप ये मतलब आपका जो डेवलपमेंट अथॉरिटी आप बना सकते हैं करके। हमें एक चीज़ यहाँ पे अजीब ये लगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ऑलरेडी एलएचडीसी जो हमारा एक्ट है उसके हिसाब से तो हमारा जो लैंड एक्विजिशन या डिस्पोजल का हमारे पास ही रहता था काउंसिल के पास। और इसमें क्या था, हमारा कैपेक्स का जो रिसेंट मीटिंग हुआ उसके अंदर भी फ्यू ईयर्स बैक हमारे केडीए जडिया करके भी एक हमारा एक्ट खुला था, तो हमारा ऑलरेडी कारगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी उसमें एग्जिस्ट करता था, ठीक। अभी जो रिसेंट नोटिफिकेशन मिला जो निकला है यहाँ पे, ये आपका जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट 1970 के तहत निकला है, जिसमें हमारी तरफ से कंसेंट गया उसके बाद ये ऑर्डर निकला है, ठीक। इसमें हमारा एक इन्होंने जुरिस्डिक्शन इन्होंने सेट किया है जहाँ पे इन्होंने लिखा स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए विच इज अबव NH1 टुवर्ड्स श्रीनगर, जहाँ पे जो एच हमारा हरदास जो विलेज हमारा है या मिंजी पश्च्यूम प्रेसपोन तक, ये आपका एरिया इन्होंने सेट किया है जो एक जुरिस्डिक्शन जो आपका कारगिल जो ग्रेटर कारगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी करके इसको कहा जाएगा। अब इसमें क्या इस एक्ट के तहत ये है मेन चीज़, ये हमारा इसके जिसके रिगार्डिंग हम ये आज प्रेस कर रहे हैं कि इसके अंदर जो ये इन्होंने एक जुरिस्डिक्शन सेट किया है, इसके अंदर कोई भी जो हम लैंड एक्वायर करते हैं या उसका डिस्पोज ऑफ करते हैं या उसको हैंडल करते हैं वो इस अथॉरिटी के पास इसका पावर जाता है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, हमारा एलएचडीसी एक्ट के तहत जो एक्विजिशन या डिस्पोजेबल का जो भी लैंड का था वो हमारे पास था काउंसिल के पास, अभी ये कंसेंट देने से हम क्या कर रहे हैं, ये अथॉरिटी उनको दे रहे हैं, ठीक दो है। तो ये हमें एक मेजर सेटबैक दिखता है, और ये मतलब सिर्फ कारगिल का निकला है, ठीक दो है। यहाँ पे अभी हमने कुछ काउंसलर से बात की जो कंसर्न जो काउंसलर से जो इस मतलब एरिया के अंदर आते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आपसे कोई कंसर्न लिया।